Hello everyone, welcome back to our channel. Today I'm talking about some concepts and some question and answers from chapter number 6, class 8, civics. Is chapter ka naam hai our criminal justice system. Isse pehle bhi hum kuch videos bana chuke hain. You can definitely have a look at them. Ab hum aage baat karte hain role of public prosecutor. Ki prosecutor ka kya role rehta hai, wo baat karte hain. तो क्या होता है, आपने जो केस देखा था क्लास एट में, एक एग्जाम्पल था शांति वर्सेस स्टेट. तो शांति अक्यूज थी, उसके सामने स्टेट थी. ठीक है, स्टेट मतलब आपकी जो गवर्नमेंट है वो फाइट करती है, नॉट दी वन जिन्होंने कंप्लेंट करी है. यहाँ पे मिसेस शिंदे ने कंप्लेंट करी थी तो वो नहीं लिखा है यहाँ पे. तो शांति वर्सेज दी स्टेट. तो एक प्रोसिक्यूटर आया था जो स्टेट की तरफ से फाइट कर रहा था, जो देख रहा था कि यार ठीक है, अगर शांति ने कुछ किया है, क्राइम किया है, तो इट्स वर्सेस दी स्टेट, उसने स्टेट के साथ गलत किया है, इसलिए वो आया था प्रोसिक्यूटर सामने से. तो एक बार हम देखते हैं कि क्या होता है, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से एक फैमिली है, फैमिली शर्मा, एंड लेट्स से एक फैमिली है, फैमिली ऑफ शास. ठीक है, अब क्या हुआ है कि शर्मा वालों में किसी की डेथ हो गई है और उन्होंने इल्जाम लगाया है शाह के ऊपर कि आपने हमारी फैमिली में मर्डर किया. ठीक है, तो शाह तो क्या बन जाएगा, वो डिफेंस साइड पे चला जाएगा, उसको क्योंकि अपना डिफेंस करना है कि नहीं मैंने नहीं किया है, तो वो डिफेंस लॉयर हायर करेगा. बट शर्मा वालों को लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है, उनको क्या मिलता है, प्रोसिक्यूटर. वो अब क्या करेंगे, ये केस क्या हो जाएगा, शाह वर्सेस स्टेट. तो शाह है, सामने स्टेट है, जो आपका प्रोसिक्यूटर है वो बात करता है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, या वो बहुत अच्छे से डिटेल में बात करता है प्रोसिक्यूटर, इसलिए हमें प्रोसिक्यूटर चाहिए होते. तो वो सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके लिए करता है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट और इन द पब्लिक इंटरेस्ट. वो चाहते हैं कि कभी पब्लिक के साथ ऐसा गलत ना हो, इसलिए वो आते हैं सामने और उनको स्टेट हायर करती है, मतलब जो गवर्नमेंट है वो हायर करती है. वो करते क्या है, पूरी लीगल प्रोसीडिंग्स करते हैं, पूरा फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड, बातचीत करना, पेपर्स बनाना, सब कुछ आपका प्रोसिक्यूटर करता है. उसके बाद उनका रोल क्या होता है, क्या रहता है, एक बार जब वो कोर्ट में कदम रखते हैं, उनको स्टेट के लिए बात करनी है, मतलब उनको लेस एंड लेस क्राइम करवाना है किसी तरीके से, उनको सामने वाले से ऐसे बात करनी है कि अच्छे से अच्छा आपका रिजल्ट आए, कि कल को हर कोई क्राइम करते हुए डरे. फिर उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम कहाँ से स्टार्ट होता है, जहां पे पुलिस का काम खत्म होता है. कंप्लेंट आई पुलिस के पास, पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन करके प्रोसिक्यूटर को दे दिया. अब वो आगे बात बात करके या फिर लोगों से टेस्ट करके देखेगा कि किसकी गलती है. पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है, चार्जशीट फाइल कर चुकी है, तो काम किसके पास आएगा, द वर्क विल कम टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर. अब उसको प्रोसिक्यूशन करना है, प्रोसिक्यूशन मतलब लीगल प्रोसीडिंग करनी है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, पूरा स्टेट के बिहाफ पे उसको बात करनी है. अब यार ही इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इम्पार्शियली एंड प्रेजेंट द फुल एंड मटेरियल फैक्ट्स. उसको इम्पार्शियल एक्ट करना है, उसको ऐसे नहीं करना है कि बदतमीजी कर रहा है वो सामने डिफेंस वाले के साथ, कुछ ऐसा नहीं करना है. नॉर्मल बात करनी है कि आपने क्या किया, आपने क्या नहीं किया, और पूरा फैक्ट्स पे काम करना है, विटनेस पे काम करना है, एविडेंस पे काम करना है, इन सब चीजों पे काम करना है. एक बार फिर से देखते हैं प्रोसिक्यूटर क्या करता है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर का काम कब स्टार्ट होता है, जहां पुलिस का काम खत्म होता है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर ली, चार्जशीट फाइल कर ली, फिर प्रोसिक्यूटर का काम स्टार्ट होगा. उसको करना क्या है, उसको पूरे स्टेट के लिए, स्टेट के बिहाफ पे ही हैज टू डू ऑल द लीगल प्रोसीडिंग्स. देन लास्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही इम्पार्शियल हरकत करे, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको कि वो बहुत पार्शियलिटी दिखा रहा है, उसको फैक्ट एविडेंस और विटनेस पे काम करना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं करना चाहिए. नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू कम बैक फॉर द नेक्स्ट सेशन.